सारा सामान रेडी करें। तो कैसे करूं? अच्छा मम्मी लाइट बल्ब काम करती है, सुबह मुझे रेडी करती है, फिर पूरे दिन काम। इतना भी तो काम नहीं है। कहाँ पर हूँ? हाँ, अरे थोड़ा सा पीछे जा। हाँ पीछे थोड़ा सा पीछे जा, थोड़ा सा। हाँ घूम के देखा। ओ भैया सारा सारा खराब हो गया भाई, बच्ची का हवा ने सब खराब कर दिया। गो 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 गो। सो गाइस एक्चुअली मैं ओज को स्कूल से छोड़ के आ चुका हूँ, और उसको रेडी करने के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद, तो मैं घर पे आया, देखा तो, और वो रोज मेरे को चाय नाश्ता बना के रेडी रखती है, लेकिन आज उसने कुछ नहीं बनाया। और वो लेटी हुई है बेड पे, उसने बोला कि यार मैं रात भर नहीं सोई, ओजू के पेट में दर्द हो रहा था, तो देसी नुस्खे लगा रही थी, कभी मीन्स हींग का पानी लगा के, पता नहीं क्या क्या कुछ देसी चल रहा था, मैं रात भर देख रहा था, तो कहीं मैं रात भर सोई नहीं हूँ, तो सीधे पटी कहती मैं, मेरे से कुछ नहीं हुआ। तो मैं आया सबसे पहले, मैंने ये चाय रेडी कर दी है, और ब्राउन ब्रेड होंगे तो ब्राउन ब्रेड दे दूंगा, नहीं तो भाई खाना तो मेरे से बनेगा नहीं, चाय के साथ कभी सूखी रोटी हुल वो सिस्टम तो है नहीं, तो चाय दे दूंगा अच्छी सी बना के, अदरक डाल दिए तगड़ी, और इसमें चाय का मसाला तो वो अच्छे से झोंक दूंगा, जो गला बिल्कुल नीचे से ऊपर तक क्लीन कर दे, फिर कहेगी आह अब मुझे नींद नहीं आ रही, जैसे बोलोगे अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं लग जा काम पे। सो गाइस वेलकम बैक अनदर वन स्टोरी। सो हमने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया, अपनी शादी के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि शादी के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, उसके बारे में भी एक बार जरूर बताना, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनकी नई नई शादी हुई और करने वाले हैं। तो पहले तू बता कितनी डिफिकल्टी फेस हुई मेरे साथ, आप बता दो, मुझे जो बोलना होगा वो मैं बीच में बोल दूँ। मैं तो कुछ ज़्यादा ही बता दूंगा, फिर क्योंकि ये क्यों बता दी, ये क्यों बता दी, मैं कटवा दूंगी। कटवा देती है आजकल, ये डायरेक्टर हो गई है। तो यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं हुई, बट इसको बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से उससे पहले से ऑलरेडी मुंबई में रह रहा था, और ये एक छोटे से गांव से निकलने के बाद एकदम मेट्रो स्ट्रीम आ जाना, वो भी मुंबई जैसे शहर में, तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे अरेंजमेंट किया कि नई नई शादी के बाद, क्योंकि इससे पहले मैं चार पांच लड़कों में रह रहा था, कभी वर्सोव में रह रहा था, कभी यारी रोड रह रहा था, तो फाइनली शादी होगी, तो शादी के एक महीने बाद इसको मैंने अपने साथ शिफ्ट किया मुंबई में, जिसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टीज आई। किसकी वजह से? एक महीना गैप जो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। काफी नई नई शादी होती है ना, मतलब समझ रहे हो ना, खैर छोड़ो। तो फिर मैंने सोचा चलो अब तो अलग घर लेना ही पड़ेगा, तो मुंबई बहुत कॉस्टली है। सबसे पहले हमने वन रूम किचन लिया, महाड़ा, ओल्ड महाड़ा, और वो घर बहुत ही अनहाइजीन होते हैं, बट ये था कि यार अभी सरवाइव करना है एनीहाउ, और साथ में रखना है, अगर ये हरियाणा में रहेगी और मैं मुंबई में रहूँगा, मैंने कि 7-8 साल से तो ऑलरेडी फोन पे चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने कि शादी के बाद भी फिर लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो डिफिकल्टी ये थी कि मुझे घर लेना था, फिर मतलब रेंट पे ही घर लेना था, और फिर उसको सजना संवारना, क्योंकि लड़कों में तो हम कैसे भी रह लेते थे शेयरिंग में, अपना एक बेड लेना था, एक अलमारी लेनी थी, एक टीवी लेना था, तो वो सब चीज़ कैसी आई और कैसे अरेंज की अपनी तरफ से बताता है। वो सब चीज़ जब मैं आई थी तो मुझे मिला ही था, तेरे गाँव से जो मिला था उसकी बात नहीं कर रहे हम। अच्छा घर वालों ने तो बहुत लिया था यार। मैं उसकी बात नहीं कर रही, जब मैं यहाँ आई थी मुंबई में, जब मुझे लेके आए थे तो मुझे बेड भी मिला था, टीवी भी मिला था, वो तो मैंने पहले अरेंज कर दिया था, इसके बाद ये दो चीज ही मिली थी, उसके अलावा और तीसरा चीज कुछ नहीं मिली थी। तीसरी तो जरूरत ही नहीं है, तीसरी की जरूरत क्या भाई, खाना मिल रहा है, गैस मैंने कनेक्शन ले लिया था, सिलेंडर था नहीं, गैस कनेक्शन नहीं लिया था, वो अपने अपने फ्रेंड से लिया था, मैं आ गई तो उसके बाद से हम लोग ने गैस कनेक्शन लिया था। याददाश्त बहुत तेज है इसकी। हाँ। हाँ, क्या क्या मिला था इसको ये याद है यहाँ पे, और क्या क्या घर से मिला था वो भी याद है इसे। हाँ, तो, और क्या क्या मेरे घर वालों के ऊपर गले में चढ़ाया ना इसे, सोने की थाल और वो भी याद है इसे, मुझे आज तक नहीं पता है। तो हमने सबसे पहले एक बेडरूम किचन लिया, फिर बहुत ही वैसा था, उसमें इसको बहुत डिफिकल्टीज फेस होती थी, आज बताती है उस टाइम नहीं बताती थी, कहती है मैं ऐसे विंडो खोलती थी और फिर गला ऐसे बाहर निकालती थी, फिर मैं सांस ले रही थी
थैंक गॉड वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो इसको दुनिया तो दिख रही थी चलते हुए, अगर टॉप फ्लोर पे होता तो इसको पता भी नहीं लगता भाई दुनिया में कोई है नहीं है। हाँ वो ही तो, क्योंकि हम लोग हरियाणा से थे, हम लोग मतलब हरियाणा से जैसे, तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली थी, वहां से हम लोग यहाँ पे हमने शिफ्ट किया। सबसे पहले तो मैं आई, मैंने घर देखा, बाप रे, उसमें जो पहले कोई इंसान रह रहा था वो पता नहीं कौन ही प्रजाति थी जो उसमें रह रही थी, इतना गंदा घर था बाप रे, वो देख के मेरा इतना दिमाग खराब। इतना छोटा सा घर है, वहीं पे वॉशरूम है, वहीं पे किचन है, ऐसा लगता था जब तक मैं किचन में काम करूंगी तब तक कोई वॉशरूम में तो जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा देख के बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने उसको पूरा एकदम रगड़ रगड़ के घर को रहने लायक एकदम साफ सुथरा बनाया, जैसे तैसे करके एडजस्ट करी चीजें। इसने फ्लैट को एक्चुअली घर बनाया, इसका कहने का मतलब ये है। हाँ तो बनाया नहीं क्या, पूरा रगड़ रगड़ के साफ करके साफ सुथरा किया मैंने उसको एकदम अच्छे से। फ्लैट का घर बनाने का मतलब है, घर तो साफ सुथरा ही होता है, फ्लैट भी साफ सुथरा होता है, एक फ्लैट में वाइब होती है, चलो रहने के लिए रह रहे, एक घर होता है जैसे प्यार बाउंडेशन वाइब्रेशंस जो अच्छी अच्छी होती है, वो इसने क्रिएट की, लगा कि हाँ मैं सच में काम करने का घर में जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब एक गेट खोलती थी घर से बाहर, जैसे ही गेट खोलती थी बाहर एक बूढ़ी अम्मा थी, काफी बूढ़ी अम्मा, जिसको देख के बहुत डर जाती थी, तो इसके लिए गेट भी नहीं खोलती थी, घर में ही बंद रहती थी। वो एक आंटी रहती थी बाहर, वो बहुत तेज थी और वो व्हाइट से कपड़े पहन के रखती थी मोस्टली, और उनके जो बाल थे वो पूरे व्हाइट थे, और वो कभी भी ना, मैंने जब भी गेट खोला है ना, वो कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, वो सामने ही था उनका हमारे, मैं जैसे खोलती थी वो ऐसे करके झांकती थी, इतना सा ही बस ऐसे दिखता था मुझे, उनको देख के बहुत डर लगता था। तो बहुत मतलब वो था वहां पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब वहां पे मुझे अच्छा ही लगता था। जिस टाइम मैं शादी करके मतलब यहाँ पे आई थी, उस टाइम इनको इतना बिजी थे शूट में, इतने बिजी थे कि मतलब सुबह जा रहे हैं 6:30 बजे, रात को 9-10 बजे घर पे वापस आ रहे हैं। मैं 5 बजे उठ के लंच वंच बना के दे देती थी, फ्रिज भी नहीं था उस टाइम हमारे, पंखे की हवा में हम लोग अपना खाना रखते थे। फिर उसके बाद हमने फ्रिज लिया, फ्रिज हमने नया खरीदा था, तो बाकी ओवरऑल हमने चीजें पुराने खरीदी थी, जैसे बेड था और अलमारी और पुराना टीवी, ये चलो टीवी तो अलग हटा लो, सब चीज पुरानी थी, मैं नहीं बोल रहा नया बिल्कुल इसके घर से मिला ऐसा नहीं था, पुरानी थी सर चीजें, इसके आने से पहले अरेंजमेंट कर लिया था भाई, एक नई नई शादी हुई है, एक होता है ना भाई अब घर जमाना है, नई एनर्जी आएगी, एक नई एक्साइटमेंट, वो भी उस लड़की से, अब हमें कोई बाउंड्रीज नहीं फेस करनी पड़ेंगी जिससे हम सालों से फोन पे बात कर रहे हैं, फाइनली वो आ रही है, हम साथ में रहेंगे, वो जो एक्साइटमेंट बता नहीं सकता अब इतने कुछ ना हो। तो टीवी मैंने पुराना लिया था इसके लिए, क्योंकि ये ना घर में रह रही थी, घर में रह रहे के ना काफी लंबे टाइम से अकेला आदमी रह गए, इतनी बड़ी गांव से आके छोटे से, अरे कहना क्या चाहते हो, सॉरी, इतने छोटे से गांव से आके एक बड़े शहर में आ जाना, तो ये थोड़ी डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेसिव हो गई थी, तो मैंने टीवी रखा एक एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा ये माइंड इसका फ्रेश होता रहे। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस की हमने, लेकिन वो फेस की हमने 4-5 साल के बाद, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, जब एक्चुअली ये प्रेग्नेंट हुई थी और बच्ची हुई थी, क्या क्या डिफिकल्टी उससे पहले फेस करनी पड़ी प्रेगनेंसी में। आपको कुछ नहीं फेस करना पड़ा, जो कुछ किया वो मैंने ही किया है अकेले में। हाँ वो तो इसने किया है, चाहे कितनी भी मतलब किसी भी सिचुएशन से मैं निकल रही हूँ कुछ भी है, लेकिन इनको मैंने कभी परेशान नहीं किया उन सब चीज, मैंने अकेले नहीं सब कुछ हैंडल करना, मतलब बोलते हैं ना अभी तो मैं इतना सब कुछ मतलब झेल चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ, उन सिचुएशंस में से निकल चुकी हूँ कि अभी मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ, मतलब मैंने अपने आप को खुद ने उस लायक बना लिया अभी कहीं ना कहीं घर में रह, हाँ घर में रह रहे। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया है, जब मेरे पास काम नहीं था तब इसने छोटे जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं प्राइमरी, ठीक है, उसमें इसने जॉब की, क्योंकि मैंने कोर्स करवाया था उसका फायदा, इजी एड का, हाँ वो कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्स मैंने कराया, मैं कि किसी लायक बन जाओ तो मुंबई में सर्वाइव कर सके, इसने बहुत सपोर्ट किया। तो हम लोग उस महाड़ा के रूम में मतलब जैसे रहे, उसमें हम लोगों ने निकाले 10 महीने के बाद, फिर मतलब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सेविंग करके 10 महीने हम उसमें रहे थे उस वाले फ्लैट में, फिर 10 महीने बाद हम लोगों ने खुद ने मतलब थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अपना एक वन रूम किचन खुद का खरीद लिया था। हाँ। वो जो खुशी थी, भले ही वो वन रूम किचन था लेकिन हमारे लिए किसी महल से कम नहीं था, वो इतनी खुशी मतलब कोई ठिकाना ही नहीं उस टाइम तो खुशी का। नया घर जब हमने लिया था तो इसके पापा, मेरे पापा साथ में, तब तक उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी, उससे पहले बॉन्डिंग ये चल रही थी शादी से पहले, लेकिन नहीं, मेरे पापा ने कभी मतलब कभी कुछ नहीं बोला, मेरे पापा बहुत सीधे मेरे पापा बहुत ही ज्यादा मतलब समझदार ज्यादा है, वो मेरे पापा बहुत समझदार है, क्योंकि वो थोड़े प्रैक्टिकल है, समझदारी की बात करते हैं वो, क्योंकि आपको कहने का मतलब क्या है कि मेरे पापा समझदार नहीं है,
चलो तेरे पापा ज्यादा समझदार है, मेरे पापा समझदार है, ठीक है भाई, ठीक है पापा आपस में समझ रहे ना यार, अब बस बच्चों को मस्त रहने दो आपस में साथ में, आप भी मस्त रहो साथ में, बीच बीच में चले जाओ। एक्चुअली सीधे साधे बहुत ज्यादा हो, ज्यादा मतलब होता है ना, ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा लोगों में बैठ के गप गप चीजें वो सब नहीं करना है, वैसे ही वो एक्चुअली कई बार बोलते समझ में नहीं आता क्या बोल, ज्यादा मत बोलो ठीक है। और मेरे पापा क्या क्लियर बोलते एकदम कट टू कट, और कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, और जब एक दो गया नीचे तब तो फिर तब फोन लगाते हैं, बेटा सब ठीक चल रहा है, अरे तू चिंता मत कर, एक मेरा बड़ा भाई एक मैं, तब बोलेंगे तुम तो मेरे राम लखन हो, उससे जैसे ही खत्म तब राम लखन कहीं नहीं दिखता। तो लेकिन इसके घर वालों की जोड़ी, हमारे घर वालों की जोड़ी है बहुत अच्छी, और भगवान ऐसी जोड़ी बनाए रखे, जल्दी से हम व्लॉग वहां पे भी जाएंगे इनके घर पे, वहां व्लॉग बनाएंगे, और ये मेरे घर पे आएगी वहां ये व्लॉग बनाएगी, और ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही चला, बीच में हमारी बहुत धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि यार होती है, देखो ये अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस से चल रहे थे, मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस से चल रहा था, अब पास में रहते तब चीजें समझ में आती है, बट लेकिन लव मैरिज में सबसे फायदा घर वालों के लिए है कि अब उनको मौका मिल गया, बेटा तुमने शादी की अपने आप जी लो, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शादी तो भी बोलती तरह हमें भी पता है, अब शादी हमने की है तो ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता भाई, लेकिन होती है चीजें, क्योंकि थोड़े से जब साथ में लड़का लड़की रहते हैं तो उसे हार्मोन्स चेंज भी होते हैं, वो भी एक रीजन होता है, बट लेकिन स्टार्टिंग के एक साल दो साल तो बहुत अच्छी गया था, फिर बाद में दो साल थोड़े से धक्का मुक्की वाले गए, लेकिन अब तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सबसे पहले मैं इसमें एक मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग बहुत जल्दी शादी करने के बाद फिर दोनों अलग होने की सोचते ना, वो मतलब ऑप्शन नहीं है यार, सब चीज हो जाती है, एक दूसरे को समझो, इसने मुझे समझा मैंने इसको समझा, तो आज फिर हमारी लड़ाई होती थी, मतलब कितनी बार हमारे जैसे झगड़ा हो गया कुछ हो गया, तो हमारी लड़ाई वो वाली नहीं होती कि दो दिन बात नहीं कर रहे हैं, चार दिन बात नहीं कर रहे हैं, अरे तू इधर जा मैं इधर जाऊं, हाँ। वो वाला सीन नहीं था हमारा, हमारा कैसा, हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया है उसके 10-20 मिनट बाद ही चलो चाय बनाई चलो साथ में बैठ के चाय पीते हैं, शॉर्ट आउट वहीं पे खत्म, एक घंटा दो घंटा बस, मैक्सिमम उतना ही था हम लोगों का, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं रह भी नहीं सकता एक घर में, रह रहे हो यार एक घर में, जैसे भी शक्ल देख रहे हो बिना बात करे को कैसे रह सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता, तो मैंने कहा लड़ाई करनी एक घंटे खूब अच्छे से माइंड फ्रेश कर ले लड़के अपना, क्योंकि कभी कभी इंटरटेनमेंट लगता है जब घर में टीवी नहीं होता तो क्या इंटरटेनमेंट मांगे, तो कर इंटरटेनमेंट मैं साथ दूंगा तेरा, मैं भी ये अच्छी आदत है, कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी कि मैं चाहे जब मतलब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ कुछ भी बोल रही हूँ तो इनको पता है हाँ इसका माइंड थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, इसको बोलने दे जो बोलना है, इसका मन हल्का हो जाएगा, फिर बाद में अपने आप खुद से शांत हो जाएगी, और मैं बोलूंगा तो फिर चीजें बढ़ेंगी इधर उधर, तो फिर ऐसा है, और बल्कि मेरे अंदर वो चीज नहीं है कहीं ना कहीं, अगर ये मुझे एक बोलते तो फिर मैं नहीं चुप लगा सकती, मतलब मेरे प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, लेकिन इनके अंदर वो चीज अच्छी है, मैंने कहा था मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को गाइस, इसने भी बहुत ज्यादा किया है नो डाउट, बट लेकिन ईगो क्लैशेस होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मैं हैंडल करने लगा हूँ, ये मुझे हैंडल करती है मैं इसको हैंडल करता हूँ, बट और फिर ऐसा नहीं है, मतलब जैसा आपको दिखता है ना, मतलब कहने का मतलब ये जैसा आपको दिखता है ना सब अच्छा अच्छा ही है ये वो, जैसे हम लोग भी और लोगों को देखते हैं सब अच्छा अच्छा है, हाँ ठीक है ऑब्वियसली वो तो अच्छा रहता ही है, लेकिन कभी कभी चीजें ऊपर नीचे भी चलती है, वैसा नहीं है, लेकिन होना बहुत जरूरी है, लड़ाई अगर होगी ना लड़ाई के बाद जो प्यार होता है ना गाइस, चीन टपाक डम डम, वो भाई मैं आपको बता नहीं सकता, कसम से बहुत अच्छा लगता है लड़ाई होने के बाद, जो पैचअप होता है ना, आ लव यू गाइस। सो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा शादी के बाद हमने क्या डिफिकल्टीज फेस की, इसको मुझे समझना, मेरे को इसको समझना, और लव मैरिज करोगे तो गाइस ये समझ लेना जरूर, क्योंकि भाई एक दूसरे को ही संभालना है, अलग होना ऑप्शन नहीं है फिर, लेकिन हो जाती है हर चीजें, अभी इतने अच्छे से हम रह रहे हैं टचवुड, हमें ना अभी मतलब हमारे घर वाले इसके घर वाले वो भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं जैसे फैमिली करती है, अब ये भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, तो एक फैमिली बन गई है, बहुत छोटी सी फैमिली है यार, हम बहुत खुश रह रहे हैं अभी टचवुड, बस हम लोग इतने ही खुश रहे हैं और ऐसे ही खुश रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होनी चाहिए ना लाइफ में, नहीं तो फिर स्ट्रेस रहता है ना, डिमांड है ही नहीं हम लोगों को, जब ज्यादा ही डिमांड होती है जिनकी उनके बीच में फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना कहीं जब हाई मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, नहीं हो पाती तो फिर मतलब लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है, अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए ओवर... नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा, जितने में हो उतने में ही खुश रहो, हाई मेंटेनेंस वाइफ बिल्कुल भी नहीं है, यही बोलूंगा। सो गाइस अब बोलते खत्म कर देते हैं व्लॉग को यहीं पर, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप देखोगे नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हाँ। लगातार इसके लिए अलग व्लॉग बनाएंगे हम, जो हमने मम्मी पापा की जो बॉन्डिंग की बात की है वो, एक प्रेगनेंसी वो, और बच्चा होने के बाद वो, बहुत है मसाला अपने पास, देखो हम व्लॉग बना रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारा बैकग्राउंड भी तो पता होना चाहिए, धीरे धीरे बताएंगे गाइज, जरा आपको कनेक्ट करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ गाइज,
यू आर अमेजिंग, आप लोग इतना हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, खुल के बोलती है। खुल के बोलती हूँ और कैसे बोलती हूँ, सच में यार डरती किसी के बाप से नहीं है ये। जहां मुझे लगता है मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैंने कहा तू हैंडल करना। इनका पता कैसा है, इनको अगर कुछ चीज ऐसा है कि इनको नहीं करनी है और किसी को इनको मना करना है किसी चीज के लिए, ये खुद भी करेंगे। ये मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता मुझे किसका क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या करना है अपने को ही करना है, दोनों लोग को जो भी कुछ करता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको बुरा समझना है समझो, जिसको अच्छा समझना है समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच अ स्वीट वाइफ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।